नमस्ते फ्रेंड्स, एक और गुड मॉर्निंग में आपका स्वागत है। देखो, मेरे पास वाटरिंग कैन नहीं था तो मम्मी ने क्या जुगाड़ करके दिया। ये देखो, ये एक नॉर्मल मग था, उसमें मम्मी ने छेद कर दिए तो अब मेरा वाटरिंग कैन हो गया। पर पानी का प्रेशर नहीं आएगा मेरे प्लांट्स पे और बहुत इजीली वाटर हो जाएगा। प्लांट्स में आज पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिन प्लांट्स तो मुझे सूखे सूखे लग रहे हैं उन्हीं में डाल दिए पानी। सब में पानी की जरूरत नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें मिट्टी चेक करके फिर पानी डालना चाहिए। ये मेरे बहुत सारे प्लांट खो जाने के बाद मुझे पता चला है। और आज मैं थोड़ी क्लीनिंग करूँ, क्लीनिंग मतलब डिक्लटरिंग करूंगी। कुछ एक्स्ट्रा सामान है उसको हटाऊंगी। आई होप अच्छे से जाए दिन। थोड़ा सुबह थोड़ा समय दे देती हूँ, फिर पूरा दिन सही रहता है। ये रियो के प्लांट में पानी दे रही हूँ, इसको मुझे चेंज करना है, बट अब तो सही मौसम नहीं लगता है मुझे, क्योंकि अब थोड़ा मुश्किल होगा चेंज करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मेरे पास एक बोरी रखी थी प्लास्टिक की, उसमें ये सब मेरे पास फूल वगैरह यहाँ पे मैंने रखे हुए थे, वो मैं एक साथ रख दूंगी और मिट्टी डाल दूंगी, तो हो सकता है 2-4 महीने में मेरी खाद बन जाए। बट मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं खाद बनाने के लिए रख सकूँ, तो देखते हैं मैं क्या करूँगी। ये कोने में सब टूटे टूटे प्लास्टिक के डब्बे हैं, उनको मैं हटा रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से वो मतलब वैसे यूज में नहीं आ रहे, टूट चुके हैं, तो उसमें प्लांटिंग भी नहीं होगा। और बहुत दिन के बाद मतलब वैसे प्लास्टिक थोड़ी थोड़ी टूट जाती है, तो वही करूंगी। इसमें गमले में थोड़ी सी मिट्टी है वो निकाल के डाल रही हूँ। यही सुबह सुबह करते करते अच्छा रहता है। फिर सूखी सूखी है, निकल ही नहीं रही है, तो उसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। मैंने कोकोपीट रखा था साइड में कि मैं उसको सूख जाएगा थोड़ा, फिर मैं यूज करूंगी। और पता है मेरे साथ क्या हुआ, वो एसी के पास किसी ने रख दिया, मतलब या हम लोगों ने इनको थोड़ा कंट्रोल करके अब मैं वापस कर लग जाती हूँ। उस छिपकली के पीछे मैं रोज रोज तो अपना काम नहीं कर सकती हूँ, तो ये कुछ प्लास्टिक के डब्बे हैं जो कि मैं डस्टबिन में फेंकने जा रही हूँ। अब आगे क्या होगा क्या पता। चलो, ये मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ, मैंने पानी में बना के रखा था। ये कुछ प्लांट्स में मिलीबग का अटैक इतना हो रहा है कि जा ही नहीं रहा है। आप देखते हैं क्या करते हो। इनको मैं सोच रही हूँ कि दूसरी बालकनी है, तेज धूप आती है वहां रख दूँ, तो वहां पे मिलीबग का थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा। पर वहां बहुत तेज धूप आती है, उसमें ये सूख ना जाए मुझे वो डर है। देखते हैं, आज हमारी पीने वाली दीदी आती है, उनसे हेल्प लेके करती हूँ, क्योंकि बहुत एक प्लांट दो प्लांट तीन प्लांट में मिलीबग हो गए हैं और उस वजह से और बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे सही नहीं लग रहा है। ये मॉस स्टिक को मैं वापस भूल गई थी गीला करना, तो अब मैं इसको ऐसे करूंगी। साथ साथ ही पानी डाल दो तो ये ना बालकनी में क्लीन रहती है। वैसे तो मैं दीदी करती है। इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अगले।